गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यस्टरडे वी हैव डन एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1, 2 एंड 3. टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.3. फोर्थ क्वेश्चन इज विच इज़ ग्रेटर. यू हैव टू फाइंड दिस साइड इज़ ग्रेटर और दिस साइड इज़ ग्रेटर. 2/7 ऑफ 3/4. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4. 2 मल्टीप्लाइड न्यूमिरेटर बाय न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 4. लेट अस कट 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4. इन न्यूमिरेटर 3 1 ज़ा 3 इज लेफ्ट एंड इन डिनोमिनेटर 7 2 ज़ा 14. दिस इज LHS. आई हैव सॉल्वड. नाउ RHS 3/5 ऑफ 5/8. 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8. मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर विद न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 8. आई विल कट 5/5. ओनली 3/8 इज लेफ्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड 3/14 इज ग्रेटर और 3/8 इज ग्रेटर. 3/14 और 3/8 वी हाउ वी विल फाइंड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड. वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 14 मल्टीप्लाई बाय 3. वी विल मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 14 मल्टीप्लाई बाय 3. 8 थ्री ज़ा 24 एंड 14 3 ज़ा 42. इट मीन्स 42 इज ग्रेटर. इट मीन्स दिस साइड इट मीन्स दिस साइड विल बी ग्रेटर. बिकॉज 42 इज ग्रेटर इट मीन्स दिस साइड इज ग्रेटर. आंसर इज 2/7 ऑफ 3/4 इज लेस देन 3/5 ऑफ 5/8. सेकेंड पार्ट इज 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7. यू हैव टू टेल मी LHS इज ग्रेटर और RHS इज ग्रेटर. आई विल सॉल्व दिस साइड फर्स्ट. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/7. आई विल कट 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6. 3/7 इज लेफ्ट हेयर. नाउ लुक एट दिस साइड. 2/3 ऑफ 3/7. 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. 3/7 कट 3/3. ओनली 2/7 इज लेफ्ट. स्टूडेंट्स 3/7 इज ग्रेटर और 2/7 इज ग्रेटर. राइट. 3/7 इज ग्रेटर. इट मीन्स दिस साइड इज ग्रेटर. इट मीन्स इन द स्टेटमेंट दिस साइड विल बी ग्रेटर. नाउ द आंसर इज 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7. सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन. द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 meter. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. Sally plants 4 saplings in a row. I am showing you how will Sally grow four saplings in one row like this one. This is one sapling, second, third or fourth. There are 4 saplings. Sapling means small plants. I have shown you 4 plants here, and between 2 adjacent plants, 2 adjacent saplings, there is a distance of 3/4 meter. In these two saplings there is distance 3/4. Second and third, third and fourth, same. Now you have to find the distance between first and the last sapling. You have to distance between the first and the last sapling. It means you have to find the total distance between them. Distance between the first and the last sapling means 3/4 plus 3/4 plus 3/4. I will take LCM 4 and there will be 4 ki table mein 4. 1 pe 1 is multiplied by 3. 3 plus 3 plus 3. It means 9/4 meter. Now I will convert 9/4 into mixed fraction 2 and 1/4 meter answer. It means the distance between the first and the last sapling is 2 and 1/4 meter. Now sixth question is, Lipika reads a book for 1 and 3/4 hours every day. She reads the entire book. Entire means total book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the full book? Lipika reads a book in one day. One day mein she reads 1 and 3/4 hours. Ek din mein 1 and 3/4 hours read karti hai. I will solve this mixed fraction. 4 1 ज़ा 4 और 3. 7/4 hours. Lipika reads a book in 6 days. You have to find how many hours she reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her? I will multiply. When we will go to smaller to greater,
तो वी विल मल्टीप्लाई, जब हम छोटे से बड़े पे जाते हैं, वन से सिक्स पे जाएंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस बोथ नंबर, वन बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स, लेट्स कट, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू टू ज़ा फोर, सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन बाय टू, आई विल कन्वर्ट दिस टाइम इन टू मिक्स फ्रैक्शन टेन एंड वन बाय टू आवर्स. इट मीन्स लिपिका needs one and a half hours to read the full book in 6 days. Sorry, it means Lipika needs 10 and a half hours to read the full book in 6 days. Last question, seventh question is, a car runs 16 kilometers using 1 liter of petrol. How much distance you have to find, how much kilometer will it cover using 2 and 3 by liter of petrol. It means a car runs with 1 liter of petrol runs 16 kilometer. You have to find in 2 and 3 by 4 liter of petrol how much distance, how much kilometer will it run. A car runs in 1 liter of petrol is equal to 16 kilometer. A car runs in 2 and 3 by 4 liter of petrol. Students, when we go from smaller to greater, it means we will multiply these two numbers. Jab hum chote se bade pe jaate hain to hamesha multiply करते हैं, क्या 16 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 बाय 4. आई विल सॉल्व, हाउ आई विल सॉल्व दिस मिक्स फ्रैक्शन, 4 टू ज़ा 8 और प्लस 3 11, 16 मल्टीप्लाई बाय 11 बाय 4. आई विल कट 4 वन ज़ा 4, 4 फोर ज़ा 16, 11 फोर ज़ा 44 किलोमीटर. इट मीन्स 2 एंड 3 बाय 4 आवर्स में वो कार 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3. Tomorrow we will start new exercise 2.4. Have a nice day. Thank you.